जेजेपी संरक्षक अजय चौटाला पार्टी के लिए प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने हांसी और नारनौद में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली, पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के टिप्स दिए। साथ ही अजय चौटाला ने जनता को भी संबोधित किया। हिसार सीट से जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला मैदान में हैं। उनके पिता अजय चौटाला दुष्यंत के लिए प्रचार करने हांसी पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मीटिंग की। इस दौरान अजय चौटाला का जोरदार स्वागत हुआ। वहीं अजय चौटाला बीजेपी पर भी खूब बरसे। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने अपने वायदे पूरे नहीं किए। चुनाव प्रचार के लिए आया हूँ, वोट मांगने के लिए आया हूँ और लोगों से अपील करने आया हूँ कि वो सोच समझ करके फैसला करें। पर मोदी ने किया क्या है, आप किसी भी एक वर्ग को भी उन्होंने अछूता छोड़ा है तो बताओ तो सही क्या किया है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही गई बात भी अगर कोई पूरी की हो तो बता दो। अजय चौटाला प्रचार के लिए नारनौद भी पहुंचे। यहां दादा देवराज धर्मशाला में उन्होंने पार्टी वर्करों की मीटिंग ली और वर्करों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। यहां अजय चौटाला ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले झूठे नारे दिए थे कि खाते में 15 लाख आएंगे, महिला की सुरक्षा होगी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उनके नारे जुमले निकले। वहीं अब अजय चौटाला भवानी खेड़ा पहुंचे तो भारी भीड़ ने अजय चौटाला का स्वागत किया। अजय चौटाला ने यहां दुष्यंत चौटाला के लिए वोट मांगे और जेजेपी को भारी मतों से जिताने की अपील भी की। बहरहाल चुनावी शोर में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। अब जीत का सेहरा किसके सर सजेगा ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। हांसी से केशव धमीजा और नानौस से अजय लोहान की रिपोर्ट। खबरें अभी तक।